हाँ दोस्तों, हर गंगे आप सबका रमेश कुमार वी ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं बस स्टैंड की लाइव दृश्य, और ये है बस स्टैंड की एंट्री की डोर, और यहाँ से हम लोग ऋषिकेश के लिए भी टेम्पो ले सकते हैं। जो विक्रम टेम्पो जो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है सब ऋषिकेश के लिए है। यहाँ से हमें शांति कुंज के लिए भी टेम्पो मिल जाएगी। हम अभी जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की लाइव दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव दृश्य दिखाइए, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कोविड की जाँच हो रही कि नहीं हो रही है, हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हरिद्वार यात्रा से जुड़ी मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ माँ गंगा के पावन दर्शन आपको घर बैठे होता रहे। अब हम प्रवेश कर चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, और ये जो दृश्य दिख रही है यहाँ पे टिकट बुक होती है, यहाँ पे हम जाके टिकट बुक करवा सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुंदर दृश्य, काफ़ी अच्छे दृश्य दिखाई देती है, खासतौर पर नाइट में जब लाइट चारों तरफ जलती है और सुंदर दृश्य देखने को मिलती है नाइट के समय। अगर आप नाइट के समय आ रहे हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुंदर दृश्य देखना बिल्कुल भी ना भूलें आप। अभी ये देख सकते हैं पार्किंग है, पार्किंग में आपको टैक्सी ही मिलने वाली है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं हरिद्वार से, तो आपको यहाँ से टैक्सी आराम से मिल सकती है, और काफ़ी सस्ते दामों में यहाँ पे टैक्सी मिल जाती है। बाहर के सापेक्ष बाहर पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में मिलने की चांसेस बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप रहोगे, यहाँ पे आओगे तो काफ़ी सारे टैक्सी खड़ी होगी। आप सभी लोगों से बात करके, बार्गेनिंग करके अपने हिसाब से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नंबर कमेंट करके मांग सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की नंबर भी इस वीडियो में मिल जाएगा, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हो। अब हम चल रहे हैं जहाँ पे कोविड की सेंटर लगी होती है, जहाँ पे कोविड की जांच होती है। तो आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ऐसे में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं टैक्सी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर हम फैमिली के साथ आ रहे हैं, या फिर हम दो तीन लोग आ रहे हैं, या फिर हम 8-10 लोग आ रहे हैं, सभी तरह की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप लोग अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन की जो सिचुएशन है अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने सेकंड डोज ले रखा है और आपके पास प्रमाण है, अगर 15 डेज भी पूरे नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेकंड डोज की जो प्रमाण है वो दिखानी होगी, तो आपको कहीं भी हरिद्वार में रोका नहीं जाएगा। अगर रोका जाएगा तो आप उनको बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि हमने सेकंड डोज ले रखा है, ये हमारे पास प्रूफ है। अगर आपने वैक्सीन का एक डोज लगा रखा है, या फिर आपने एक भी डोज नहीं लगा रखा है और आपके पास कोविड की नेगेटिव कॉपी भी नहीं है, तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे आप कोविड की जांच करा सकते हो। जो लोग अभी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है, ये है कोविड की जाँच नहीं लेके आने वालों की। अगर कोविड की जाँच लेके आते हैं तो ऊपर ब्रिज में रोका जाता है, तो हम ब्रिज में ही हम उनको बोल दें कि हमने कोविड की जाँच करा रखी है, या फिर हमने वैक्सीन की दो डोज ले रखी है, तो आपको ब्रिज से आने दिया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। अगर आपने दोनों ही नहीं करा रखा है तो यहाँ पे आपको भेजा जाएगा, जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं ताकि कोई भी यहाँ से ना जाए बिना कोविड टेस्ट के। अगर उनके पास कोविड टेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोरोना की महामारी काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, आपको पता ही होगा, इसी कारण काफ़ी ज़्यादा सख्ती यहाँ पे बढ़ती जा रही है। राहत यही है इसमें कि अगर आपने कोविड की दोनों डोज ले रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके पास 72 घंटे के अंदर की कोविड की नेगेटिव कॉपी होनी चाहिए, चाहे वो RT-PCR हो या फिर रैपिड टेस्ट हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ कराना होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कुछ टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से यहाँ पे कोविड की जांच करा के जा सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि बच्चे भी हैं, 18 साल से छोटे हैं, तो उन्हें क्या, तो उनके कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम ग्रुप में भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। ये जैसे कि मैं मेन डोर से बाहर किया और आ रहा हूँ अभी, और आप देख सकते हैं ये हरिद्वार का मेन डोर है, और जहाँ पे कोविड की बूथ होती है ये है। अभी हम ऐसे तो मैं आपको अंदर से दिखा चुका हूँ और बाहर से भी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो आप जब हरिद्वार आए तो आपके पास कोविड की जांच अगर कॉपी नहीं है तो वो भी घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पे करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं और आपको माइंड में ज़रा भी कुछ भी डाउट्स और भी है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में हर गंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें।